अब्दुल हमीद के पोते आए हुए थे और शहीद सम्मान समारोह का यहाँ प्रोग्राम रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने मन से इमरान प्रताप रेड्डी और कांग्रेस के लिए कुछ कहा, क्या मामला है? देखिए, मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में घटना होती है और उस घटना से पूरा देश दुखी था, मैं भी दुखी था। जब कन्हैया लाल की हत्या होती है तो उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया था, ऐसे अपराधियों को माफ नहीं करा जाए और नहीं करना चाहिए। लेकिन कन्हैया लाल को कुछ लोगों ने उसकी हत्या की थी तो उनको मुआवजा दिया जाता है और मैं कन्हैया लाल के परिवार से हमदर्दी रखता हूँ। उसी राजस्थान में घटना होती है, कांग्रेस सरकार है जुनेद और नासिक की, तो उसी से दो दिन पहले ईडी का एक नोटिस आता है राहुल गांधी को, तो उसमें हमारे भाई इमरान प्रताप गरीब बस से आधा बाहर निकले पड़े थे। लेकिन उसी टाइम ये घटना होती है, जुनेद और नासिर को मार दिया जाता है और बुरी तरीके से उनको मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है, लेकिन इमरान भाई का एक जवाब नहीं आया। और जिस दिन से इमरान प्रताप गरीब बोलते थे पहले बहुत ज्यादा, नजीब की माँ गूंगी है दिल्ली, बहरी है दिल्ली, लेकिन जब से वो राज्यसभा सांसद बने हैं तब से भाई इमरान प्रताप गरीब गूंगे हो गए हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनका गला अच्छा कर दे और उनको सही समझ दे कि वो मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़े और मुसलमानों के लिए जो कांग्रेस ने पहले भी बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे उपहार दिए मुसलमानों को, तो अगर कांग्रेस चाहती है इस बार मुसलमानों को जोड़ना तो मुसलमानों के मसाइल को और मुसलमानों का नाम लेके राहुल गांधी को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने का ख्वाब देख रहे हैं। तो उनके लिए देश की जनता सब एक को एक नजर से एक चश्मे से देखने का काम करें, यही हमारा वो था। इसलिए मैंने इमरान प्रताप गरी का और कांग्रेस का नाम लिया। इमरान प्रताप गरी भी लोकसभा चुनाव में थे, आप उनके काफी नजदीकी थे। जी जी, तब में आप काफी नजदीकी थे। मैं नजदीक नहीं 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 सुनिए, मैं मेरा मकसद क्या रहता है, मैं मिलता हूँ सबसे, लेकिन जो मेरी कौम के मसाइल की बात करेगा, जो कौन के मसाइल की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ, ना तो मेरी इमरान भाई से कोई ऐसी बात है। आपकी निजी मुलाकात की तो? नहीं नहीं, मेरी कोई निजी मुलाकात आज तक इमरान भाई से नहीं हुई और मैं करूंगा इमरान भाई से जिस दिन मुलाकात, जिस दिन वो मुझे लगेगा कि वाकई में वो बोलने के अलावा भी जमीन पर कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाते, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें जनता से हमदर्दी नहीं है। वो राहुल के लिए बोलना जानते हैं, जनता के लिए बोलना नहीं जानते, जुनेद नासिर के लिए बोलना नहीं जानते, कांग्रेस की कठपुतली, कांग्रेस के इशारों पर चलने वाले इमरान भाई के लिए मैं नहीं बोलना चाहता। कभी नहीं बोले, नजीब की माँ के लिए बोले थे, लेकिन जुनेद नासिर के लिए मुआवजा के लिए क्यों नहीं बोले? अशोक गहलोत सरकार है वहां पर, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए मैंने इमरान प्रताप गड़ी का और कांग्रेस का नाम लिया। और मैं ये मैसेज, आज मुसलमान का रुझान कांग्रेस की तरफ है, आज मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन मैं देश में जाऊंगा और मुसलमानों से कहूंगा कि मुसलमानों तुम्हें उसके साथ जाना जो तुम्हारे मसाइल की बात करेगा, जो तुम्हारे मसाइल की बात नहीं करेगा नहीं तो हम बताएंगे कि कांग्रेस ने तुम्हारे लिए कहां छला है। अगर कांग्रेस सही बानों में अपनी छवि सुधारना चाहती है तो मुस्लिम मसाइल की बात करे। राहुल गांधी कहे मुसलमानों तुम्हारी लड़ाई तो मैं नहीं लड़ सकता लेकिन तुम्हारे दुख सुख में साथ हूं, इतना कह दे राहुल गांधी, हम राहुल गांधी का झंडा थामेंगे। अरे भाई आसार क्यों नहीं पड़ेगा, हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे सारी जिंदगी, कभी राहुल गांधी हमें इस्तेमाल करेगा, कभी मायावती, कभी सोनिया गांधी और कभी अखिलेश यादव, हम कब तक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे? क्या आप प्रत्याशी हैं लोकसभा? मैं प्रत्याशी रहूं ना रहूं मेरा इससे कोई वो नहीं, लेकिन वो तो वक्त बताएगा क्या होगा आगे, लेकिन मैं जनता को ये बताने का काम करूंगा, जो आपके मसाइल की बात करेगा, आपके हुकूक की बात करेगा, आपको सुरक्षा देने का काम करेगा, मुसलमान उसके साथ जाएगा, हम देश में जाएंगे घर घर बताएंगे। जैसे आपने कहा कि आप पूरे देश में जाएंगे घर घर जाएंगे बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, क्या प्लान है, किस तरीके? पूरा प्लान तैयार है, बस वो जब वक्त आएगा जाएंगे, कौन सी पार्टी की क्या बात है, वो सब वक्त के वक्त आने पर हम सब कुछ बता देंगे। पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रखा है? मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैं कौम के साथ हूँ, कौम की बात करता हूँ, कौम के मसाइल के साथ हूँ और एक समाज से भी।